ये गियर आपके समझ में आ गया तो आपको ये बता दें, ठीक है, इसको हम इस पे कर लेंगे। तो वो कन्फ्यूजन रहता है जब हम फर्स्ट गियर डालेंगे, ऐसे देख सकते हैं, तो ये रिवर्स ना पड़ जाए, ये प्रॉब्लम रहती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है केके ड्राइविंग स्कूल चैनल पर। तो चलिए आज हम सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को महिंद्रा थार के गियर लगाना, सिर्फ महिंद्रा थार के गियर लगाना सिखाना। तो चलिए देख सकते हैं, ये हो जाता है महिंद्रा थार का गियर लीवर, ठीक है, और हम क्लच ये दबा लिए, ठीक है, और ब्रेक, हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा गियर हो जाता है और वो हमारा क्लच हो जाता है। तो क्लच दबा के ही हर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल करना है। गाड़ी को न्यूट्रल करने के बाद देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो गई। जब लेफ्ट राइट जाए तो समझ लो हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जब हम फर्स्ट गियर डालेंगे, ऐसे देख सकते हैं, तो ये रिवर्स ना पड़ जाए, ये प्रॉब्लम रहती है। चलिए इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि रिवर्स कैसे नहीं पड़ेगा और कैसे फर्स्ट ही पड़ेगा। तो चलिए अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दें, हमारा क्लच दबा हुआ है तो ये हम लेफ्ट ले गए, आगे की तरफ बढ़ा दिए, ये हमारा फर्स्ट गियर पड़ गया, ठीक है। ये बीच में आ गया, फिर इसको लेफ्ट ले गए, ये सेकेंड पर गया, ठीक है, फिर ये बीच में आ गया, आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ये हमारा थर्ड पड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल, फिर ये हमारा फोर्थ पड़ जाएगा, ठीक। और फिफ्थ डालना है, ये बीच में न्यूट्रल, हम इस समय यहाँ पे हैं, फिर इस तरफ लाना है, ये फिफ्थ पड़ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल और ये सिक्स पड़ गया, हमारे सिक्स गियर पड़ गए। अब इसमें रिवर्स का जो वो है वो भी आप लोगों को बताएंगे, और ये फोर बाई फोर वाला है ये भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये थार जो है फोर बाई फोर वाली है, ठीक है। आप लोगों को दिखा रहे हैं ये रिवर्स वाला गियर कैसे पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ले गए, फर्स्ट पड़ गया, ठीक, इसको न्यूट्रल किए, यहाँ पर एक लीवर होता है, देख सकते हैं आप, हो रहा ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको उठाएंगे, लेफ्ट ले जाएंगे तो देख सकते हैं ये हमारा रिवर्स जाएगा, थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा उस तरफ, ठीक है, और इसको न्यूट्रल कर लिए। ऐसे भी न्यूट्रल कर सकते हैं और ऐसे भी न्यूट्रल कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। और इसको ऐसे अगर ले जाएंगे तो फर्स्ट ही गियर पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स पड़ ही नहीं सकता, जब तक इसको पुश नहीं करेंगे तब तक रिवर्स नहीं पड़ेगा। ऐसे हम जैसे ले गए, फर्स्ट पड़ेगा, और यहाँ पर इसको ऐसे उठा लिए तो ये रिवर्स पड़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैनुअल कार का भी गियर लीवर आपको अगर अच्छे से नहीं चलाना आता है तो वीडियो हमारी पड़ी है, देख लीजिएगा, इन डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। और फोर बाई फोर वाला भी आप लोगों को बताते हैं। तो ये गियर आपके समझ में आ गया तो आपको ये बता दें, ठीक है, जैसे क्लच हमारा दबा हुआ है, ये टू एच में पड़ा है, मतलब टू व्हील ड्राइव में है, जो पीछे के हमारे पहिए होते हैं, हिंदी में समझाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टू ईयर्स, ठीक है, जैसे रोड पे चलाना वगैरह हो तो हाई में चल रही, ठीक है, गाड़ी अगर हमारा मान के चलो थोड़ा बारा चहला कीचड़ है, ठीक है, हमें लगता है कि टू में फंस जाएगी तो हमें चारों पहियों में ताकत देना है, तो इसको हम इस पे कर लेंगे, फोर एच पे। अब मतलब हमारी गाड़ी के चारों पहिए राउंड करेंगे, ठीक है, लेकिन हाई में, फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फाइव में, सिक्स में, जिसमें चलाना हो चला सकते हो, जो गाड़ी के चारों पहिए हैं वो चारों पहिए घूमेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप न्यूट्रल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो ये हमारा हो जाता है फोर एल, ठीक है, ये हमारा फोर लो है, ठीक है, चारों पहिए हमारे, मतलब जैसे अधिक पावर की ज़रूरत है हमें, जैसे तो फोर एल पे कर लेंगे तो हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ खींचना वगैरह है, हायरो से भी खेत जोतते देखे होंगे और थार से खींचते उचते, तो ठीक है, फोर लो पे तो बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा चारों पहियों में, स्लो थोड़ा कार चलेगी लेकिन दम बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ, बाकी न्यूट्रल करना हो न्यूट्रल कर सकते हो, फोर एच पे भी कर सकते हो, आपको जिसमें रखना है रख सकते हो, बाकी मैनुअली कार। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, लव यू, टेक केयर।